करते हैं, आज हम ना उनको सरप्राइज देंगे। हाँ पर क्या लेंगे वो तो अभी हमें भी नहीं पता, अभी हम कब से सोच रहे हैं, लेकिन कोई अच्छा आइडिया नहीं है। तुम लोग भी हर को ना कुछ सोचते हैं साथ में मिलके। आइडिया, हम चारों पास जाते हैं, उनको लेकर खबर आएगी तो उनकी प्रॉब्लम तो नहीं हो गई और हमको हैप्पी बर्थडे विश कर देंगे। उसे खरीद लेंगे, दिन जो चाबी आती है ना उसको एक छोटे से बॉक्स में डाल देंगे, तो फिर मम्मी को जब देंगे तो उसमें इतना कुछ छोटा सा क्या गिर देंगे, एकदम घटिया होगा, बट निकलेगा एकदम महंगा सा कार, तो बहुत खुश रहेगी, है ना, एकदम यूनिक आइडिया। बोल देते हैं काम करते ना, हम मम्मा को बोलते भूल ही जाते हैं। सबसे अरे भाई पूरी बात तो सुनो फिर कमेंट करो। देखो हम लोग क्या करेंगे कि हम एक्टिंग करेंगे, हम भूल गए। देख मम्मा चाहेंगी कि हम सुबह ही उनको बर्थडे विश करें, लेकिन हम सुबह बर्थडे विश करेंगे ही नहीं, हम एक्टिंग हम भूल गए हैं, और फिर एंड में शाम को उनको सरप्राइज देंगे तो उनका मूड बुरे से एकदम अच्छा हो जाएगा, तो और मजेदार रहेगा सरप्राइज। बोल रहे आज मैं इतना लेट तक सो गई और उनका फोन भी नहीं आया। जरूर मैसेज किए होंगे, बर्थडे विश किए होंगे, ना तो फोन आया ना तो मैसेज, मेरा बर्थडे भूल गए। बच्चे जरूर हमारा बर्थडे विश करेंगे, लगता है बच्चे भी सो ही रहे हैं अभी। चलो देखती हूं। मम्मा गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, आज तुम लोग मुझसे पहले उठ गए। अरे मम्मा हम नहीं जल्दी उठे, आप लेट उठे हो। क्या है ना पापा आज है, नहीं तो खाना भी बनाना नहीं था, तो मेरी तो आंख ही लग गई, मैं आराम से सो गई। अरे वाह तुम तो सुबह सुबह इतना तैयार हो गई। चलो अब तैयार होके आई हो तो बोल दो। क्या बोलूँ, मैंने आपको कुछ तो किया ना गुड मॉर्निंग। अरे नहीं आज कुछ खास दिन है ना। क्या खास है आज मम्मा, याद करो याद करो। याद आया। क्या याद आया बोल दो। आज के दिन है तो आलियापुर की पहली मूवी निकली थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसके गानों में। अरे नहीं बाबा उससे भी खास दिन है। याद आया। क्या याद आया बोल दो। अरे पिछले महीने ही ना इसी डेट पे कटरीना कैफ की शादी हुई थी विकी कौशिक से। हाय सर। नहीं बाबा मेरे से रिलेटेड कुछ है आज। याद आया। बोलो। आपकी बेटियों की मैं कैसे बोल सकती हूँ। हाँ वही तो। आज शाम को आपकी किटी पार्टी है। नहीं मेरी कोई किटी पार्टी नहीं है, रहने दो तुमको कुछ भी नहीं याद है, जाओ यहाँ से। अरे मैं बोल रहा हूँ ना क्या है, फिर आप ही बता दो ना। नहीं कुछ नहीं याद है मुझे, जाओ यहाँ से निकलो। आपको खुद नहीं याद है मुझे, आप दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसी बेटी है इसको, कटरीना की शादी और आलिया भट्ट की पहली मूवी, मेरी किटी पार्टी भी याद है लेकिन मेरा बर्थडे नहीं याद है। कैसे बच्चे हैं आजकल के। हेलो। हाँ माँ क्या हुआ, सुबह इतना क्यों चिल्ला रहे हो। अब तुम भी हिम्मत कर देना कि मैं भी आयु की तरह भूल गई। क्या नहीं याद है। अरे बाबा आज क्या खास दिन है। आज क्या खास है, याद करो सोचो। अरे हाँ मम्मी कैसे भूल सकती थी, मुझे याद है। हाँ याद आया ना। हाँ मम्मा रेडी को बोलते हमारा प्यारा टेडी बेयर का बोलते, आज ही तो आया था बेचारा। बताओ एक साल हो गया उसको आया हुआ, कितना इमोशनल मोमेंट है। आज हम लोग ना उसको बर्थडे बहुत ही अच्छे से मनाएंगे। अरे बाबा एडी के अलावा भी आज किसी ने जन्म लिया था। और किसने जन्म लिया था। अरे सोचो याद तो करो। हाँ अरे माँ मैं कैसे भूल सकती हूँ, याद आ गया ना। हाँ हाँ मम्मा हमारे बालकनी में जो हुआ है ना पिजन, उसी ने आज दो अंडे दिए थे ना, इसी दिन पे बच्चा पैदा था, कितना क्यूट था, इतना छोटू।
फिश निकला था, आपको याद है ना? आप देखे थे ना, फोटो बहुत क्यूट था। मुझे सारे चिड़िया, कौवा, कबूतर सबका जन्मदिन याद है, बस जो खास है उसका नहीं याद है। खास पंख और किसका? हाँ, याद आया, वो आपके आपके चाचा के भतीजे की बहन की बेटी के आज बच्चा हुआ था। भगवान, मेरे चाचा के भतीजा के चिड़िया कौआ का सबका जन्मदिन याद है, बस जो खास है उसका नहीं याद है। तू रहने दे, जा यहाँ से। हाँ, तो आज किसका बर्थडे है आप तो बताओ। मुझे कुछ नहीं याद है, रहने दे, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में चाय पीऊंगी, जा यहाँ से। आपको खुद नहीं याद और आप मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो। हर रोज इतना बादाम इनको भिगा भिगा कर खिलाती रहती हूँ सबको, ताकि इन लोग का दिमाग तेज हो, और आज मेरे बर्थडे के दिन ही इनका दिमाग ठुस हो गया। भला किसी को मेरा बर्थडे ही नहीं याद है, इसके पापा को भी नहीं याद है। वैसे तो दिन में 10 फोन करेंगे, और आशा क्या कर रही हो, आज किसी को याद ही नहीं आ रहा है। कितने बेकार हैं सब लोग, मैं किसी से बात भी नहीं करूँगी। अरे मानसी, इतना सुबह सुबह और इतनी खुश क्यों लग रही है? अरे खुश क्यों ना हूँ, आपको इम्पोर्टेंट दिन है। अच्छा, क्या है क्या है? अरे कमाल है, आपको तो पता होना चाहिए। अरे मानसी, मुझे तो पता है, बट मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ। अरे आज की संसद में महिला को आरक्षण मिला था। हाँ बाबा, उसके अलावा भी कुछ खास दिन है। अरे हाँ, आपकी भांजी हुआ, ये कैसे याद नहीं होगा? आज के दिन रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू की थी। अरे क्या मानसी, आज इतने खास मौके पे तू जंग खून खराबा की बात करती है। छोड़, तू भी खेल, मैं चली। अरे माना, तुम कब आए? अरे मैं तो सुबह ही आया था, आप उठ गई, मेरे को तो लगा कि आप सो ही हो। क्यों, आज कुछ खास दिन है क्या मानव? लो, आज का खास दिन आपकी वजह से, आप पूछ रही, आज कोई खास दिन है? देखो, मेरी दोनों बेटियों को मेरा जन्मदिन याद ही नहीं, इस नन्ही सी जान को मेरा जन्मदिन याद है। क्या हुआ बड़ी मम्मी? अरे कुछ नहीं मानव, बस मैं तुम्हारी बात पर सोच रही। मेरी वजह से खास दिन कैसे? अरे भूल गई, आज ही तो आपने मेरी और अनुष्का दीदी की महीनों की कट्टी को दोस्ती में बदला था। लो, इसलिए खास दिन था। मैं क्या समझी, छोड़ो। किसी को याद ही नहीं मेरा बर्थडे, छोड़ो जान दो, मैं अकेले ही जाके अपना बर्थडे मना के आती, थोड़ा घूम टहल के आऊंगी, मेरा मन बदल जाएगा। वेल डन मारा, वेल डन। अभी एक काम करती हूँ, मैं केक ऑर्डर कर देती हूँ, और फिर तुम लोग तो मानसी दीदी और आयुष दीदी मिलके ना सजा दो पूरे घर को, ठीक है? मम्मा का बर्थडे तुम्हारा नहीं, मम्मा का फेवरेट पाइनएप्पल आएगा। कोई मंगा लो, मैं तो खा लूंगी। हाँ, लेकिन फ्रिज से अगर एक भी छाया ना बर्थडे के पहले, तो एक भी केक नहीं मिलेगा, सोच लेना। ठीक है, बाय। बर्थडे नहीं याद है, ऊपर से पूरे घर में अंधेरा करके रखे हैं लोग। लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा कि आज मेरा बर्थडे है, कम से कम डिनर तो हमारा साथ में अच्छे से हो जाएगा। तुम लोगों को मेरा बर्थडे याद था? हाँ बाबा, ये भी कोई भूलने वाली चीज है? हाँ, हम तो बस आपको सरप्राइज देना चाहते थे, अब सीधा सुबह आके आपको विश कर देते तो उतना मजा नहीं आता। तुम लोग पूरा दिन ऐसा है कि हम लोग भूल गए, एंड देन रात को आपको सरप्राइज किया। मेरा आइडिया था, तुम लोगों ने सुबह से मुझे बहुत परेशान किया। और सच्ची में मैंने इस केक को अभी तक उंगली से चटा नहीं। नट कट कहीं का? हाँ चलो, अभी केक काटते हैं मम्मा। आइए बर्थडे गर्ल। इस बार 22
के एम्स का लाइक बिकॉज 2022 ईयर है। तो दोस्तों इस साल का ये हमारा पहला वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। और गाइस आप प्लीज हमें ऐसी सपोर्ट करते रहिए जिससे हम जल्दी 1 मिलियन की फैमिली पहुंच जाए। एंड जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा टाइप ऑफ कंटेंट चाहिए, मॉरल, हॉरर स्टोरीज, जो भी चाहिए जरूर कमेंट करके बताना, जिससे कि हम वैसा टाइप ऑफ कंटेंट बनाने की कोशिश कर सके। तो मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।